और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, गुजरात के गिर सोमनाथ में अतिक्रमण के खिलाफ मेगा ऑपरेशन, बुलडोजर और ट्रैक्टर के साथ 1400 पुलिसकर्मी एक साथ पहुंचे। सोमनाथ में सेंट मैरी स्कूल इलाके में ये टीम मौजूद है और सुबह सुबह 4 बजे से ही अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। तो सोमनाथ में सेंट मैरी स्कूल, जहां आसपास अवैध कब्जा, अतिक्रमण और उसी को हटाने का काम टीम की तरफ से शुरू कर दिया गया है। गुजरात की तस्वीरें आप देख रहे हैं गिर सोमनाथ में, जहां अतिक्रमण के खिलाफ मेगा ऑपरेशन प्रशासन की तरफ से चलाया गया। बुलडोजर और ट्रैक्टर के साथ करीब 1400 पुलिसकर्मी देखिए वहां पर पहुंचे हैं और बड़े ऐसे इलाके में जहां पर अतिक्रमण किया गया उस पर बुलडोजर चलाने का काम शुरू कर दिया गया है सुबह 4 बजे से ही। ये देख लीजिए तस्वीरें सामने आ रही हैं, अतिक्रमण के खिलाफ ये बड़ा एक्शन, गिर सोमनाथ गुजरात की ये तस्वीरें जहां पर 1400 पुलिसकर्मी देखिए पहुंच जाते हैं और सुबह 4 बजे से ही उन्होंने अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में यहां पर लोगों की मौजूदगी भी हालांकि देखी जा रही है, अब उनकी तरफ से क्या विरोध जताया जा रहा है ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। 36 बुलडोजर और 20 ट्रैक्टर इस वक्त एक्शन मोड में है। 1400 पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे हैं अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के लिए गिर सोमनाथ इलाके में, जहां पर ये बड़ी कार्रवाई जारी है। सुबह 4 बजे टीम वहां पर पहुंचती है और अतिक्रमण हटाने का काम शुरू करती है और ये काम अभी तक वहां पर चल रहा है। और सड़कों पर आप लोगों की मौजूदगी देख लीजिए, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। 1400 पुलिसकर्मी बुलडोजर और ट्रैक्टर के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए गिर सोमनाथ इलाके में मौजूद हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि लोगों की तरफ से रमनाथ यहां पर विरोध जताया जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में सड़कों पर हम देख पा रहे हैं कि लोग इकट्ठा हुए हैं। रौनक आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिली पूजा जी। रौनक तस्वीरें दिखा रहे हैं हम दर्शकों को, सड़कों पर लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं, 1400 पुलिसकर्मी बताया जा रहा है कि अचानक से सुबह 4 बजे पहुंचते हैं। क्या कोई नोटिस पहले उनकी तरफ से दिया गया था और इस वक्त क्या सड़क पर लोग विरोध जता रहे हैं? देखिए पूजा, एक कार्यवाही होनी तय थी और पहले भी नोटिस भेजा गया था, जो प्रशासनिक अधिकारियों से मेरी बात हुई उसके मुताबिक ये सोमनाथ जो है सोमनाथ जिले में आता है, जहाँ पर पहला ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ दादा का मंदिर है, टेम्पल है, उसके आसपास का जो इलाका है जहाँ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण था उसको हटाना तय था और उसके तहत जो टीम आप बता रही है 4 बजे डिमोलिशन शुरू हुआ है, अतिक्रमण हटाने की एक्टिविटी शुरू हुई, लेकिन पुलिस जो थी कल देर रात को वहां पर पहुंच चुकी थी। कम से कम 1000 से 1400 पुलिसकर्मी और अफसर वहां पहुंचे थे और जो पूरा इलाका है उसको कॉर्डन कर लिया गया था, क्योंकि काफी संवेदनशील इलाका है, सुरक्षा के लिहाज से भी समुद्री तट का इलाका है, यही वजह है कि काफी भीड़ भी थी। शुरुआत में लग रहा था कि संघर्ष होगा, घर्षण होगा, लेकिन पुलिस ने सब लोगों को समझाया, इलाका कॉर्डन किया और देर रात यानी कि आज तड़के 4 बजे के आसपास डिमोलिशन शुरू हुआ, जो अभी भी डिमोलिशन जारी है। कुछ धार्मिक ठिकानों पर डिमोलिशन किया गया है, साथ में ही जो आसपास में छोटी बड़ी इमारतें जो बनी थी, जो सरकारी जमीन पर बनी थी, वहां से अतिक्रमण हटाया गया। फिलहाल वहां किसी भी किस्म का तनाव नहीं है, पुलिस ने पूरा इलाका जरूर कॉर्डन किया है और जो मलबा है उसको हटाने की कार्यवाही जारी है। बिल्कुल ठीक है रौनक, जो तस्वीरें अभी हम टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है और किसी तरीके का यहाँ पर कोई भी तनाव का माहौल नहीं है। लेकिन कितनी ऐसी इमारतें हैं और कितनी ऐसी बिल्डिंग है जो यहाँ पर अवैध रूप से बनाई गई थी रौनक, क्योंकि अगर 1400 पुलिसकर्मी इस काम में लगाए गए हैं और बड़ी बड़ी मशीनें बड़ी संख्या में यहाँ पर दिख रही हैं, तो निसंदेह ये इलाका बहुत बड़ा होगा जहाँ पर अतिक्रमण किया गया होगा। देखिए कम से कम तीन, जितने मुझे जो जानकारी मिली है, तीन धार्मिक ठिकानों पर बुलडोजर चलाया गया, साथ में ही 100 से ज्यादा जो छोटी मोटी इमारतें थी उनको ध्वस्त किया गया है। मैं आपको भी बता दूं कि पिछले 2 साल से गुजरात में मुहिम जारी है, क्योंकि देश में सबसे लंबा जो समुद्री किनारा है गुजरात का, 1600 किलोमीटर का समुद्री किनारा है। पिछले महीने इसी प्रकार से कच्छ के मांडवी और मुंद्रा इलाके में डिमोलिशन हुआ था, उसके पहले जो कृष्ण की भूमि मानी जाती है बेट द्वारका, द्वारका वहां पर इसी प्रकार से बुलडोजर चलाया गया था। बड़ी बात यह है क्योंकि काफी संवेदनशील और दूसरी ओर आप जानती हैं कि समुद्र की दूसरी ओर पाकिस्तान है, तो सुरक्षा के लिहाज से भी वहां पर
हर हमेशा सुरक्षा दलों की नजर रहती है और वहाँ पर किसी भी किस्म की गैर कानूनी प्रवृत्ति न हो उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। ठीक है रौनक, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो तस्वीरें आपने देखी, 36 बुलडोजर, 20 ट्रैक्टर, 1400 पुलिसकर्मी के साथ एक्शन मोड में, और अतिक्रमण की गई जो जमीन है उससे वहां पर कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर से उसे हटाया जा रहा है।